हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी इग्नू के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आपका, मतलब पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं। MPSC 002 का जून 2020 के इग्नू साइकोलॉजी का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स के बारे में एक आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पेपर आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें इससे आपको पता चल जाती हैं कि रिपीटेड ईयर्स में कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने आपको 2018 से 2018 का जून का दिसंबर का 2018 का 2019 का जून दिसंबर का 2020 के जून का दे रहा हूं, उसके बाद दिसंबर का भी देने वाला हूं। तो जिससे कि आप अगर इन 6 पेपर्स को देख लेते हैं तो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। 2022 वाला पेपर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो सारी चीजें जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपके सामने एमए साइकोलॉजी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 का क्वेश्चन पेपर, MPSC 002 का लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 50। अब देख सकते हैं यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शंस कंपलसरी हैं, कोई भी सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए कह रहा है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 450 वर्ड्स। शानिस की क्या कह रहा है कि इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 450 वर्ड में देना है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कह रहा है आपसे कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एलुसिडेट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि आपको अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है कि अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और फिजिकल और साइको जो है साइको सोशल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होता है, उस चीज पर देखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस के टाइम पीरियड पे, विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन जो पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी थ्योरेटिकल अप्रोच, पियाजे की थ्योरी वाली अप्रोच के साथ एडोलसेंस का किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्क्राइब डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स, एडल्ट टाइम पीरियड पे जो है डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसको डिफाइन कीजिए, एंड कंपेयर द स्टेज थ्योरीज एंड द कॉन्टेक्चुअल अप्रोच टू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस पीरियड में जो है जो स्टेज थ्योरी है और कॉन्टेक्चुअल अप्रोच जो डेवलपमेंट का है उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि क्रिटिकली एनालिसिस द पियाजे एंड कोहेनबर्ग थ्योरी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, कि जो पियाजे ने थ्योरी दिया हुआ था स्कूल टाइम पीरियड में डेवलपमेंट का, और कोहेनबर्ग ने जो दिया हुआ था, इन दोनों के बारे में बात करना है और दोनों थ्योरीज का जो है कंपेरिजन करना है, एनालिसिस करना है क्रिटिकली। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है एंड 2 क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ था। टोटल 4 क्वेश्चन था जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको करना था। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और 1 क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं 3 और 7 10 नंबर 10 नंबर। 1 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिल रहा था, 2 क्वेश्चन के लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। तो सेक्शन ए से 20 नंबर आपके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो सेक्शन है सेक्शन बी, ये कह रहा है आपसे कि नोट एनी जो है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं जो है 4 क्वेश्चन का आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं एंड 2 क्वेश्चंस यहाँ हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। केवल 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स मेजर एरिया, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और इसके मेजर एरियाज क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करो। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के टाइम पीरियड पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो है और एडजस्टमेंट क्या करना पड़ता है इन्फेंसी के टाइम पीरियड पे, वो चीज़ बात करनी है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम इन एडोलसेंट्स एंड एलुसिडेट द साइंस ऑफ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन देमसेल्फ। कहने का अर्थ है कि जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट में और सेल्फ एस्टीम में इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से कौन कौन से वो साइंस हैं जो दिखाते हैं कि हमने या किसी पर्सन ने किसी एडोलसेंस ने जो है रॉन्ग या गलत नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो कैसे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी जो LD है उसके काजेज क्या हैं एंड सजेस्ट रेमेडियल प्रोग्राम फॉर इट, और इसके लिए क्या रेमेडियल प्रोग्राम है, क्या दवाइयां हैं, क्या मेडिसिन हैं उसके बारे में बात कीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, एलुसिडेट द एजिंग इशू एंड चैलेंजेस इन लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड में एजिंग इशू जो है, चैलेंजेस जो है वो क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो पांच क्वेश्चन है, इन पांच क्वेश्चन में से किन्हीं चार क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए तीन तीन देख सकते हैं, छः नंबर छः नंबर छः नंबर, एक क्वेश्चन के लिए छः नंबर मिलेंगे, तो चार क्वेश्चन के लिए 24 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं दो पर आपको 100 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे कि पहला है आपका लॉन्गिट्यूडनल वर्सेज क्रॉस सेक्शनल मेथड। सर्वे रिसर्च का या किसी भी रिसर्च का जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है, एक होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड, तो इन दोनों के में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास साइकोलॉजिकल हैजार्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पीरियड पे साइकोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है, बच्चे को क्या फेस करना पड़ता है, उसके बारे में बात कीजिए। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास ईगो जो है इंटेग्रिटी वर्सेज डिसअपीयर। ईगो इंटीग्रिटी क्या है और ईगो डिसअपीयर क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करने है। तो इन तीनों में से किन्हीं दो क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको तीन नंबर मिलेगा, तो दो क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, छः नंबर मिलेंगे। तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 24 यहाँ से 30 हो गया, एंड 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर है। तो ये था आपका पेपर जून 2020 के इग्नू का MA साइकोलॉजी MPC 002 का। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।